इंदौर शहर में भी अब हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर पुलिस लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है। असर भी अब दिखाई दे रहा है। अब दो पहिया वाहन चालक हेलमेट पहन रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने ऐसे लोगों का सम्मान किया। इंदौर शहर में दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए पुलिस चौराहों पर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। शहर की रीगल तिराहे पर हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वाले लोगों को पुलिस गुलाब का फूल और एक मोमेंटम देकर सम्मानित कर रही है। एएमवी नेटवर्क के रिपोर्टर सतीश शर्मा ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेश हिंगणकर से खास चर्चा की। देखिए यह रिपोर्ट। स्वच्छता में नंबर वन रहे इंदौर शहर को अब ट्रैफिक में भी नंबर वन बनाना है। इसको लेकर इंदौर पुलिस लगातार प्रयासरत है, जहां हेलमेट को लेकर एक बड़ी मुहिम छेड़ी गई है। पुलिस अतिरिक्त आयुक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की ये मुहिम चल रही है हेलमेट की? देखिए, हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें निर्देश पूरे प्रदेश में सभी जिलों को दिए हैं। उसी के तहत हम लोग जो हैं ये समझाइश दे रहे हैं, और जो लोग हेलमेट पहन रहे हैं उनको हम लोग गुलाब का फूल देकर सम्मानित भी कर रहे हैं, जिससे लोगों में संदेश जाए कि हेलमेट पहनने पे सम्मान भी होगा, क्योंकि हेलमेट नहीं पहनने पे नुकसान ज़्यादा हो सकता है, जान भी जा सकती है। उसके लिए हम लोग स्कूल कॉलेजों में समझाइश दे रहे हैं, चौराहे पे नुक्कड़ सभाएं भी हम लोग ले रहे हैं, इवन पेट्रोल पंप पे भी हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि बगैर हेलमेट के जो है आप पेट्रोल देना बंद करें। सर, चालानी कार्रवाई भी किसी तरह की? अभी चालानी कार्रवाई भी हम कर रहे हैं, पर यदि ये निश्चित समय तक हेलमेट नहीं पहनेंगे तो सख्त कार्रवाइयाँ करना चालू करेंगे। तो निश्चित तौर पर हेलमेट पहनना ही होगा इंदौर शहर में, यदि आपको वाहन चलाना आया थे तो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा भी इसमें रहेगी और ट्रैफिक नियमों का पालन भी आपको करना ही होगा। एमवी नेटवर्क के लिए सतीश शर्मा, इंदौर।